वालेकुम सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी रोजा इफ्तार की दावत रमजान व्लॉग 2023 और 2023 के। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी विजिट करें, सपोर्ट करें इनको भी और हमें भी सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें प्लीज। बिल्कुल मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं बड़ी से क्लैनिक बाल्स हो गए। लेट्स स्टार्ट। तो भाई यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर खून होता है जिस असलम दोस्तों, मैं हूँ आमिर खान। तो दोस्तों आज के नज़ारे कुछ ऐसे कि भाई आज अपन जा रहे हैं दावत में। कौन सी दावत में? रोज़ा इफ्तार की दावत में। आज भाई रमजान का चौथा रोज़ा और पांचवी शब है तरावी की। तो वैसे अक्सर आप कई जगहों पर हमारे भोपाल में जैसे जहाँ पर भी तरावी मुकम्मल होती है तो वहाँ पे रोज़ा इफ्तार की दावत रखी जाती है। तभी तर्जे वाली मस्जिद में आज पांचवें दिन की तरावी की तो वहाँ से दावत आई। तो चलिए चलते हैं। और आप लोगों को रोज़े कैसे जा रहा है जब तक आप लोग कमेंट करके बताओ, जब तक मैं पहुँचता हूँ दावत में। अभी हम पहुंच गए यहाँ पर मदरसे में और यहाँ पर भाई तैयारियाँ चल रही हैं और हमारे साथ में है उसामा भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से? यहाँ पर तरावी मुकम्मल हो रही है। तरावी मुकम्मल है, पांचवें दिन पे हर साल होती है। अच्छा, और भोपाल के लोगों को दावत दी जाती है। अच्छा, और सभी आते हैं और अपना रोज़ा खोलते हैं साथ में। अच्छा अच्छा, तैयारियाँ चल रही हैं अभी। और यहीं पर देखिए सारी अभी अफ्तारियाँ भी लगने शुरू हो गई हैं। ये भाई तर्जुमे वाली मस्जिद, भाई इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? भाई अभी तो तकरीबन लॉकडाउन से पहले तो 1000 थे, अभी थोड़े 500-600 थे। हमारे भोपाल में जहाँ पर भी अक्सर मस्जिदों में होता है जहाँ पर भी तरावी मुकम्मल होती है तो वहाँ पर उस दिन रोज़ा इफ्तार का इंतजाम होता है। तो आज यहाँ पर पांचवी शब है तो पाँच दिन की यहाँ पर तरावी मुकम्मल हो रही है। तो उसी खुशी में यहाँ पर रोज़ा इफ्तार की दावत है और जिसके अंदर तकरीबन 3,000-4,000 लोगों के लिए इन्वाइट किया गया है। और अभी यहाँ पर सब मेहमान आना शुरू होगा यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए अब खाना भी शुरू होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर भी खाना बन रहा है अभी। वालेकुम सलाम करिए। ये देखिए एक दस्तरखान यहाँ पर भी लगा हुआ है। भाई यहाँ पर अफ्तार के साथ खाना भी शुरू हो जाएगा क्या? खाना उसका सब्जी है। अच्छा, मैं तो यहाँ पर सब अब दस्तरखान पर बैठना शुरू हो रहा है। तो भाई यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर खून होता है जिसके अंदर आपको पूरी यहाँ पर एक ही थाल के अंदर बिरयानी भी मिल जाएगी, भजी भी मिल जाएंगे और तरबूज मिल जाएगा, मीठा मिल जाएगा, पापड़ भजी ये सब मिल जाएगा इसी के अंदर। यहाँ पर आप देखिए कितनी सारी पब्लिक हो चुकी है अभी यहाँ पे। बहुत बिस्तरी हो जाती है बतख जैसी पानी पीने के बाद। नमाज के बाद यहाँ पर आप चाय पीने के लिए आए थे, यहाँ पर देखिए होटल पर कितनी सारी पब्लिक हो रही है, सब लोग यहाँ पर अभी चाय के लिए आते हैं क्योंकि जैसे ही अफ्तार होता है ना उसके बाद सबके लिए चाय जरूरी है। और यूसुफ भाई कैसा रहा अफ्तार? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, मजा आ गया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो दोस्तों आज की वीडियो पर एंड करते हैं, आप लोग वीडियो पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डू सब्सक्राइब जी, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। और ये तो दावत खाएं हैं और हमें पूरा रमज़ान हो गया किसी ने दावत ही नहीं की। और ये थी सच्चाई थोड़ी सी, और सच्ची बात है किसी ने भी दावत की ना, किसी दावत ने ना किसी और जगह से दावत आई हो। और रमज़ान गुजरने वाला है अभी, तो अभी आधा गुजर गया तकरीबन। चले मैं ही आपको दावत दे देता हूँ, ठीक है? खुश हो जाए।
और ये तो गए हैं खाने और इंजॉय कर रहे हैं अपना रमजान को और इफ्तार कर रहे हैं, दावत मजे उड़ा रहे हैं और व्लॉग भी शॉर्ट साइल उन्होंने क्रिएट किया है लेकिन अच्छा था और मजा आया देखे। और जितने भी मतलब सुकून से, मतलब वो कह रहा था कि खाने में सुकून पीने में सुकून आ रहा है, वो ठंडा पानी था तो गर्मी, मतलब अगर ज्यादा गर्मी है तो फिर तो ठीक है लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी है सर्दी फिर गला खराब है। वो बत्तख की उन्होंने वो जो लगाया ना इसीलिए लगाया है के पीने के और बाकी इनके व्लॉग पे हमने पहले भी रिएक्ट किया था भोपाल के हैं और भोपाल में इन्होंने पता है वो शूट किया था क्या व्लॉग, कौन सा व्लॉग इनका किया था भोपाल रमजान वाले। अच्छा 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 वो इनका था और इन भाई साहब को पता भी नहीं है कि इनका हम पहले भी एक ब्लॉग कर चुके हैं आमिर खान, और इनको भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें और ऐसे ही सबको दावत देते रहे और हमें भी शायद कोई दावत दे ही दे। तो बाकी ये वाला वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देखकर, एंजॉय किया, नो डाउट वीडियो अच्छी थी और अच्छी क्रिएशन थी। और इन्होंने मस्जिद में किया है तो ये एक छोटी सी मस्जिद है जहाँ पे उन्होंने वो अवतार का सिस्टम किया है तो होना भी चाहिए। और लेकिन यह है कि उन्होंने लवाजमात रखे हुए थे, बीच में मेरा फेवरेट फूड भी था, इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, पापड़ जो है और फ्राइड पापड़ जो होते हैं ना वो जो है वो बड़े मेरे फेवरेट है तो बीच में वो भी थे। इन्होंने ठीक इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं, जो भी चीज़ें रखी हुई हैं वो ज़बरदस्त रखी हुई हैं। और एक और चीज़ नज़र आई है वो डिफरेंट थी कि उन्होंने वाइट किस्म का कपड़ा यूज़ किया है नीचे जो उन्होंने दस्तरखान के लिए, और पूरा उन्होंने बिछा के सफ़े बनाई हैं। यहाँ पे होता है कि जो जहाँ पे नमाजी नमाज पढ़ते हैं तो उसी जगह पर आप वो कपड़ा नहीं बिछाते, कोई चीज़ नहीं बिछाते, वहीं पर वो रख देते हैं और नीचे से वो बाद में गंदा होता है। नमाजी जब नमाज़ पढ़ता है तो उसको कपड़े भी ख़राब होंगे, सौ तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन्होंने अच्छा किया है, एक तरीका कार, एक नीचे पहले कपड़ा बिछाया उसके ऊपर जनाब इन्होंने दस्तरखान उसको लगाया कि अगर गंदा हो तो नीचे से भी गंदा ना हो, दोनों कपड़े उन्होंने उठाने हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। बाकी मस्जिद की इंतज़ामिया जो है वो अच्छा काम कर रही है नो डाउट, और जो उनको जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बेहतर कर रहे हैं। और वही बात हो गई कि हमें इनवाइट कौन करेगा और आ जाके एक दूसरे को इनवाइट कर लेते हैं तो यही चीज अच्छी है, इसी में इज्जत रह जाएगी। हम दूसरों को इनवाइट कर लेते हैं उनको शर्म दिलाने के लिए, नहीं आएगी उनको शर्म, कंफर्म बात है। बहरहाल वीडियो जबरदस्त थी, अच्छा ब्लॉग था, अच्छी क्रिएशन थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी, हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।